मंशा बम के तहरीके इंसाफ से पुराने तालुकात। मंशा बम का बेटा मलिक तारिक खोकर पीटीआई का बल्दियाती उम्मीदवार निकला। बल्दियाती इंतखाबात 2016 में तारिक खोकर यूसी 238 से चेयरमैन का उम्मीदवार था। इस बारे में जान लेते हैं आकिब तनवीर से। आकिब तनवीर बताइए इस बारे में। जी नवीद, बिल्कुल, जो मंशा बम है इसका जो पुराना ताल्लुक है वो लाहौर न्यूज में सामने लेके आया और कुछ तस्वीर जो है वो भी देखी जा सकती है, जिसमें जो मंशा बम का बेटा मलिक तारिक खोकर है वो यूसी चेयरमैन 238 के जो बल्दियाती इंतखाब थे 2016 में उसमें उम्मीदवार के तौर पर भी सामने आया और पक्के तरीके इंसाफ की जानी से उसे टिकट भी दिया गया और उसकी जो भरपूर इंतखाबी मुहिम थी वो मलिक करामत खोकर, एजाज चौधरी और नजीर अहमद चौहान की जानी से चुराई गई। तस्वीर में भी देखा जा सकता है कि जलसे के दौरान मंशा बम और उसका बेटा भी मौजूद है और साथ में करामत खोकर भी खड़ा हुआ है और जो इंतखाबी जलसा है उसमें तकारीर की जा रही है। बाकी जो तस्वीर उनके सामने आई है जिसमें नजीर चौहान से मुलाकात है, उसके साथ एजाज चौधरी के साथ जिनकी मुलाकात है, तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जानिब से अभी तक किसी किस्म की तरदीद ही की जा रही है कि मंशा बम और इसके बेटों से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन बहुत शुक्रिया आकिब तनवीर आपका।